हिंदू धर्म में पूजा पद्धति का विशेष स्थान है। मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान की पूजा की जाती है और पुराणों में लिखा है कि अगर पूजा माला जाप से की जाए तो उसका महत्व दो गुना हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि माला आपकी साधना ही दूषित कर देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक मैसेज के जरिए दावा किया जा रहा है कि बाजार में पूजा के लिए जो माला बिक रही है वो रुद्राक्ष, कमलगट्टे या तुलसी से नहीं जानवर की हड्डियों से बनी है। क्या पूजा वाली माला में जानवरों की हड्डी मिली है? आपकी आस्था के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? कितनी खूबसूरत मालाएं हैं, क्या चमक है, कितनी महीन कारीगरी की गई है, हर बारीकी पर ध्यान दिया गया है। सोशल मीडिया का दावा है कि ये वो माला है जिससे आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, वो माला जिसे जप कर या धारण करके आप परमेश्वर का आह्वान करते हैं। लेकिन अगर इस माला से पूजा कर ली तो अपशकुन होना निश्चित है। सोशल मीडिया का दावा है कि इस माला से मंगल की कामना में की गई साधना बहुत बड़ा अमंगल कर सकती है, आपकी पूजा को अपवित्र कर सकती है। लेकिन क्यों? तो दावा है इसलिए। क्या ये मालाएं हड्डियों से बनी है? सोशल मीडिया का दावा है कि जिस माला को आप पूज्य समझ रही हैं, वो भगवान को प्रिय अति शुभ रुद्राक्ष, स्फटिक, कमलगट्टे या तुलसी से नहीं, बेजुबान जानवरों की हड्डी से बन रही है। क्या हड्डी की माला या कंठी गले में पहनोगे? क्या हड्डी के 108 मनके की माला से जाप करोगे? वैष्णव सनातनी भाइयों, माला खरीदते समय ध्यान दें, क्योंकि आजकल चीन वाले हड्डी की माला भी बना रहे हैं। सावधान, हम जो माला पूजन या पवित्र काम के लिए खरीदते हैं या धर्म के नाम पर जो माला या वस्तुएं पहन रहे हैं वो कहीं हड्डियों से तो नहीं बनी हुई? हड्डियों से माला कैसे बनती है वो देखें। सवाल ये है कि क्या ये पूजा में इस्तेमाल होने वाली माला है? जिस धर्म में जानवर के रत्ती भर अंश का सेवन भी वर्जित है, मुनाफाखोर जानवर की हड्डी से माला बनाकर आपकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। वायरल वीडियो के दावे की हकीकत जानने के लिए हमने दिल्ली के तुर्कमान गेट पर सालों से गहनों की दुकान चलाने वाले व्यापारी से बात की। व्यापारी ने बताया कि जानवरों की हड्डी से गहने और सजावट की कई दूसरी चीजें बनती हैं। भैंस की हड्डी इस्तेमाल होती है, इसी की हम माला बनवाते हैं, जो भी डिजाइन आता है हमारा। गहना व्यापारी ने हमें बताया कि पहले जानवरों की हड्डी से बने गहने और दूसरी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होता था, लेकिन बदलते वक्त और वन्य कानूनों की वजह से जानवरों की हड्डी से बनी चीजों का चलन कम हो गया है। पहले तो एवरेज से बनाई जाती, वो तो बैंड हो गई। पहले किससे बनाई जाती? एवरेज से, जो सब बाहर के एक्सपोर्टर होते हैं, अमेरिका का, जर्मनी, इंग्लैंड, थाईलैंड, ये सब जगह जाती है ज्वेलरी बोन की। अभी तक कम हो गई बोन की ज्वेलरी। पहले जो यहाँ काम था वो सीन की कमी था, उसके बाद में डेकोरेशन के आइटम बनने शुरू हुए, जैसे बर्ड्स वगैरह थी और लैम्प थे, उसके बाद में ये ज्वेलरी का काम शुरू हुआ। और सब बाहर ही जाता है, एक्सपोर्ट का ही है ये टोटल जो काम। यहाँ पर कोई नया नहीं दिखता है ना, इंडिया में बहुत कम दिखता। ये इस टाइप की ज्वेलरी मैंने अफ्रीका कंट्री में कुछ अफ्रीकन्स को पहने हुए जरूर देखा है, तो हो सकता है अफ्रीकन्स यूज करते हों और ये थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, उस तरफ ये बनती हो और वहाँ से अफ्रीका एक्सपोर्ट होती हो। विदेश में जानवरों की हड्डी से बनी चीजों का प्रचलन अब भी है, खासतौर पर अफ्रीका में। वहाँ केनिया में तो जानवरों की हड्डी से गहने बनाने का कारोबार बहुत फल फूल रहा है। जानवर की हड्डी को काम में लाने के लिए जानवर को मारा नहीं जाता है, बल्कि पहले ही मर चुकी गाय, बकरी और ऊंट की हड्डी को रिसाइकल किया जाता है। जानवर की हड्डी से बेशकीमती चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन वायरल वीडियो में जिसे पूजा वाली माला बताया जा रहा है, उसका क्या? तो धर्माचार्य ने हमें बताया कि वायरल वीडियो में ये पूजा वाली माला नहीं है। जानवर की हड्डी का प्रयोग होगा कहाँ? रुद्राक्ष की जो माला है वो तो रुद्राक्ष का तो फल है, उस फल को काट के कोई हड्डी को कैसे डालेगा? तुलसी की जो माला है उसको कैसे कोई डालेगा? तो उसको तो कहीं भी उसको मिलाना बिल्कुल असंभव है। आप समझिए, मैं रुद्राक्ष देता हूँ आपके सामने, उस रुद्राक्ष को काट के उसके अंदर हड्डी का प्रयोग कोई करेगा? क्यों करेगा? रुद्राक्ष सामान्यतः उपलब्ध है, तो वनस्पति के अंदर आप किसी भी हड्डी को, किसी भी साइंस को लगा लीजिए, नहीं मिला सकते। धर्माचार्यों ने हमें पूजा की असली माला की पहचान भी बताई। पहचानने का बहुत सीधा और सरल तरीका ये है, आप उसको पानी के अंदर डाल दीजिए,
पानी के अंदर डालने के बाद वो तैरती है या डूबती है, या आप उसको मोमबत्ती की जो लौ है उस माला को उसके ऊपर फेर दीजिए, अगर हड्डी होगी तो उसमें स्मेल आ जाएगी। ज़्यादा चमकदार चीज़ें आप मत लीजिए, मतलब ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम बहुत शाइनिंग और बहुत चमक के अंदर हम जा रही है दुनिया, तो ये शायद उसका भी एक प्रभाव कह सकते हैं। अब रुद्राक्ष बिल्कुल आपका रूखा सा और एक ऐसा दिखेगा खुरदुरा सा, क्योंकि वृक्ष का एक हिस्सा है, फल है। वायरल वीडियो के साथ क्या छेड़खानी की गई है वो आप इस बात से समझिए। कुछ दिन पहले हमें फेसबुक पर वायरल हो रहा ये वीडियो मिला था, तब इसके साथ कोई दावा नहीं किया गया था, सिर्फ लिखा था कि हड्डी का काम देखिए। लेकिन इसके कुछ दिन बाद शरारती तत्वों के हाथ ये वीडियो लग गया और उन्होंने इसे धार्मिक रंग दे दिया। दावे होने लगे कि ये पूजा में इस्तेमाल होने वाली माला है। साफ है कि इन मालाओं का पूजा अर्चना से कोई रिश्ता नहीं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। वायरल वीडियो में ये पूजा में इस्तेमाल होने वाली माला नहीं है। पूजा की माला अलग होती है, जो रुद्राक्ष, तुलसी, कमलगट्टे, चंदन या स्फटिक से बनती है, और जानवर की हड्डी से बनी ज्वेलरी अलग ही दिखती है। घर से बाहर निकले नहीं कि पूरा शरीर पसीने से तर बतर हो जाता है, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि इस गर्मी ने पसीने सिर्फ आपके ही नहीं छुड़ाए हैं, हालत गाड़ियों की भी खराब है। दावा है कि राजस्थान में आसमान छूते तापमान की वजह से सड़क पर खड़ी गाड़ियां पिघल गई हैं। क्या मेटल से बनी गाड़ियां सूरज की धूप से पिघल गई? ये मुमकिन भी है? क्या गाड़ी तक पिघला देने वाली भीषण गर्मी की खबर पक्की है? पिघली हुई बैकलाइट, गला हुआ बम्पर, मिट चुकी नंबर प्लेट, इन गाड़ियों को ये हुआ क्या? ऐसा लग रहा है मानो किसी ने इनके नीचे अलाव जला दिया। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि आग जलाने की जरूरत ही कहाँ, जब सूरज ही आसमान से आग बरसा रहा। एक वायरल मैसेज में लिखा है कि ये गर्मी का कहर है, ऐसी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी कि लाखों की गाड़ी स्वाहा हो गई। आप तो इस गर्मी में एसी में चलते हैं, लेकिन बेचारी गाड़ी तो बाहर घंटों तपती गर्मी में खड़ी रहती है। सोशल मीडिया का दावा है कि कहीं आपकी गाड़ी का भी ये हाल ना हो जाए। राजस्थान के चुरू में 58 डिग्री सेल्सियस तापमान के बाद गाड़ी की हालत, लेकिन ये क्या 58 डिग्री? चुरू में इस साल दो बार सबसे ज्यादा करीब 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। 58 डिग्री सेल्सियस तापमान तो अब तक पहुंचा ही नहीं, तो फिर ये दावा कैसे? हमें वायरल मैसेज के दावे पर अचंभा हुआ ही था कि वायरल तस्वीर हमें एक और जगह मिली, लेकिन यहाँ ये पिघली हुई गाड़ियाँ विदेशी हो गई। सऊदी अरब में पारा पहुँचा 62 डिग्री, खड़ी गाड़ियों का प्लास्टिक पिघलने लगा। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो जल्द ही भारत में भी ऐसा देखने को मिलेगा। और एक और ट्वीट देखिए, इसमें इन गाड़ियों को सऊदी अरब के पड़ोसी देश कुवैत का कह दिया गया है। सवाल ये है कि वायरल तस्वीर में दिख रही पिघली हुई गाड़ियां है कहाँ? क्या धरती इतनी गर्म हो गई है कि मेटल से बनी गाड़ी भी ढेर हो रही है? और क्या ये मुमकिन भी है कि महज 62 डिग्री तापमान में गाड़ी पिघल जाए? क्या वाकई ये गाड़ियां पिघली हैं भी, या ये फोटो एडिटिंग का कमाल है? UAE के गल्फ न्यूज अखबार ने कुवैती अखबार अल कबास के हवाले से खबर छापी थी कि 8 जून को कुवैत का तापमान 63 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जबकि सऊदी अरब के अल मजमाह में दोपहर में तापमान 55 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन क्या 55-63 डिग्री सेल्सियस की गर्मी की वजह से गाड़ी पिघल सकती है? ये जानने के लिए हमने ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन से बात की। मिक्स ऑफ प्लास्टिक एंड मैनी अदर सब्सटेंसेज लाइक ABS उसको कहते हैं, और वो 150 डिग्री से लेकर और 250 डिग्री तक जाके वो मेल्ट होना शुरू होती हैं। सारी गाड़ियाँ 100% मेटल की बनी होती हैं और कोई शीट मेटल पिघलता नहीं है बिफोर 800 to 1000 डिग्रीज। सो ये जो भी कोई आपको को बताएगा कि ये ऐसी पिघल गई खड़ी खड़े, इट कैन नेवर हैपन। ऑटो एक्सपर्ट ने वायरल मैसेज के दावे को सिरे से नकार दिया, लिहाजा हमने इंटरनेट की मदद से वायरल तस्वीर की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की। पता चला कि वायरल तस्वीर न तो राजस्थान की है, न सऊदी अरब की, और न ही कुवैत की। ये मामला है अमेरिका के एक राज्य एरिजोना का। ये तस्वीरें सही है, वाकई ये गाड़ियां पिघल गई थी, लेकिन बढ़ते तापमान की गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि जहां ये गाड़ियां खड़ी हैं उसके पास लगी आग की वजह से।
पिछले साल जून 2018 में एरिजोना के ट्यूसॉन शहर में एरिजोना यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्रों के लिए बनाए जा रहे हॉस्टल के निर्माण स्थल पर आग लग गई थी। आग इतनी भयंकर थी कि निर्माण स्थल के पास खड़ी गाड़ियां मोम की तरह पिघल गई थी। न्यूज फॉर ट्यूसॉन चैनल ने इस खबर को चलाया भी था। रिपोर्ट में ये दिख रही वायरल तस्वीर वाली गाड़ियां, लिहाजा न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। पिघली हुई इन गाड़ियों का भारत से कोई रिश्ता नहीं। ये गाड़ियां पास में आग लगने की वजह से। इस तपती गर्मी में प्यास बुझानी है तो सिर्फ पानी से तो काम नहीं चलेगा, गले को तर करने के लिए चाहिए ठंडा। बच्चे तो कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद करते हैं और बड़े भी खूब शौक से पीते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि कोल्ड ड्रिंक पीकर प्यास बेशक मिट जाए, सेहत भी जवाब दे जाएगी। दावा भी कोई हवा हवाई नहीं है, बकायदा एक एक्सपेरिमेंट करके कोल्ड ड्रिंक को खतरनाक साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कोल्ड ड्रिंक ना पिए? क्या कोल्ड ड्रिंक पीना अस्पताल पहुंचा देगा? ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक गर्मी की साथी है, लेकिन सोशल मीडिया का कहना है कि ये कोल्ड ड्रिंक अपने साथ बीमारियों को भी लाती है। सबूत है ये एक्सपेरिमेंट। ये हमारा एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर है, इसका थोड़ी मात्रा में इसमें आपके सामने इस ग्लास में डाल रहा हूँ। ये हमारा मार्केट में अवेलेबल तरीके का बोतल बंद पानी, ये हमारा अल्कोहल, और जो आज की तारीख में ये भी डेमो से भी आपको नजर आएगा, बच्चों के लिए मोस्ट डेंजरस थिंग। किसी भी चीज़ की एसिडिटी और एल्कलिटी को चेक करने के लिए ये एक पीएच टेस्टर के नाम से कह लीजिए या यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है। ये मैंने डाला एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर में, इसकी कुछ बूंदें मैंने डाली आपके ये आरओ में, ये कुछ बूंदें मैंने डाली अल्कोहल में, और कुछ बूंदें मैंने डाल दी आपके कोल्ड ड्रिंक में। ये हमारा अल्कलाइन ब्लू की तरफ हो गया। आरओ वाटर जो है वो 6 और 5 के आसपास रहता है, ये भी हमारा 5 और 6 के आसपास रहती है, लेकिन अगर हम कोल्ड ड्रिंक को देखें तो कहाँ पे है, 1 या 2 के आसपास। पीएच स्केल 0 से 14 तक वैल्यू वाला एक मीटर है, जिससे पता चलता है कि कोई चीज एल्कलाइन यानी क्षारीय है या फिर एसिडिक। पीएच स्केल पर 7 नंबर हरे रंग को दर्शाता है, जिसका मतलब है न्यूट्रल, जैसे कि पानी जो ना एसिड है और ना बेस। स्केल पर 7 से कम पीएच का मतलब है एसिडिक, जिसकी निशानी है गहरा लाल रंग, जबकि 7 से ऊपर पीएच किसी चीज को एल्कलाइन यानी क्षारीय बताता है। पीएच स्केल पर एल्कलाइन चीजों का रंग नीला और बैंगनी आता है। वायरल वीडियो में पीएच टेस्ट करने पर कोल्ड ड्रिंक लाल रंग की हो गई, जिसके जरिए साबित किया जा रहा है कि कोल्ड ड्रिंक खतरनाक है, क्योंकि इस वीडियो का दावा है कि कोल्ड ड्रिंक का एसिड हमारे एल्कलाइन यानी क्षारीय शरीर का सिस्टम गड़बड़ा देता है, नतीजा शरीर को जकड़ लेता है बीमारियों का जाल। जानबूझकर अपने इस एल्कलाइन बॉडी को एसिडिक कर रहे हैं, और कहा जाता है कि अगर आपकी बॉडी एसिडिक है तो ही बीमारी उसमें प्रवेश करेगी, लेकिन अगर आपकी बॉडी एल्कलाइन है तो उसमें कोई बीमारी रुक ही नहीं सकती, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। अपने हाथों से अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक रूपी जहर ना पिलाएं। वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। लोग इस वीडियो को शेयर कर वीडियो देखने के बाद ना आप कभी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और ना अपने बच्चों को पीने देंगे। सवाल ये है कि वायरल वीडियो में पीएच टेस्ट में कोल्ड ड्रिंक को एसिडिक दिखाकर उसे खतरनाक साबित करने के दावे में कितना दम है? क्या इंसानी शरीर एल्कलाइन यानी क्षारीय होता है, जैसा कि वायरल वीडियो में दावा किया गया है? क्या एसिडिक शरीर ही बीमार पड़ता है? क्या कोल्ड ड्रिंक वाकई एसिडिक होती है? क्या पता वायरल वीडियो में जिसे कोल्ड ड्रिंक बताया गया है वो कोल्ड ड्रिंक ना होकर कुछ और हो, क्योंकि वीडियो में कोल्ड ड्रिंक की बोतल सामने खोलकर तो नहीं दिखाई जाती। सच क्या है ये जानने के लिए हमने खुद वायरल वीडियो में दिखाया गया एक्सपेरिमेंट करके देखा। हम पहुंचे रायपुर की पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। यहाँ हमने केमिस्ट्री लैब में 4 ग्लासों में बोतल बंद पानी, एल्कलाइन आयोनाइज्ड पानी, अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक ली। अब हमने इनका पीएच टेस्ट करने के लिए इनमें यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलाया। तीनों तरल हरे रंग में बदल गए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक लाल रंग की हो गई। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घुली होती है, इसलिए इनमें कार्बोनिक एसिड होता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में सिट्रिक और फॉस्फोरिक एसिड भी पाए जाते हैं। तो क्या वायरल वीडियो में बताई गई बात सही है कि हमारा शरीर एल्कलाइन है जो कोल्ड ड्रिंक पीने से खराब हो रहा है? तो डॉक्टर ने हमें बताया कि ऐसा नहीं है, पूरे शरीर का एक पीएच लेवल नहीं होता है। देखें तो वो एसिडिक होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के पीएच हम चेक करें, वहाँ का पीएच वो
अल्कलाइन मिलेगा। तो ये कहना कि हमारा शरीर पूरी तरह से एसिडिक है या पूरी तरह से अल्कलाइन है, ये गलत है। शरीर का हर एक कंपोनेंट जो है अपने हिसाब से एसिडिक और अल्कलाइन होता है और ओवरऑल बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। जो ब्लड सीरम जिसे कहते हैं बेसिकली, उसका पीएच जो है वो अल्कलाइन होता है, लेकिन उसी ह्यूमन बॉडी में स्टमक एक पार्ट है जिसका पीएच बहुत लो होता है, एसिडिक होता है। और स्किन का पीएच जो एक्सटर्नल फॉरेन एलिमेंट्स से बचाने के लिए, जो माइक्रोब्स है उससे बचाने के लिए ऊपर वाले ने खूबसूरती से इसका एसिडिक नेचर का बनाया था। तो अलग अलग पार्ट में ह्यूमन बॉडी के जो लिक्विड्स हैं उसके जो पीएच का मान है वो भी अलग अलग है। वायरल वीडियो का ये दावा सही नहीं है कि हमारा शरीर एल्कलाइन यानी क्षारीय होता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो एसिडिक होती है, तो क्या वो शरीर के लिए हानिकारक है? तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी चीज की पीएच स्केल की वैल्यू उसकी पौष्टिकता का मानक नहीं है। साइट्रस जूसेस होते हैं जैसे मौसम्बी का रस, संतरे का रस या जितने भी एप्पल का जूस, सबका पीएच आप टेस्ट करके देखिए, वो पीएच 3 या 4 के आसपास आएगा। तो केवल पीएच अगर पैमाना मान लिया जाए कि किसी पेय पदार्थ के लिए वो एक पैमाना हो जाए पीने ना पीने के लिए, तो ये सही नहीं है। इम्पोर्टेंट ये जानना जरूरी है कि उस पेय पदार्थ में न्यूट्रिटिव वैल्यूज क्या है। आमतौर पर नींबू को और आंवले को बहुत अच्छा शरीर के लिए माना जाता है। यदि हम कहें कि एसिडिक की सबसे अच्छा है, तो इतने सालों से हम जो चीज़ें यूज करें, जो धारणाएं हमने हमारे कल्चर में बनी हुई हैं, तो हम उसे नलीफाई कर देंगे, हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। नींबू, संतरा, अनार, अनानास, अंगूर, टमाटर, चावल, ये सब भी एसिडिक ही होते हैं, लेकिन इनमें मौजूद पोषक तत्वों पर भला कोई सवाल उठा सकता है? वायरल वीडियो में दिखाया गया एक्सपेरिमेंट सही है, कोल्ड ड्रिंक एसिडिक होती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का पीएच टेस्ट करके वायरल वीडियो के जरिए जो साबित करने की कोशिश की जा रही है वो सही नहीं है। कोई चीज सेहत के लिए नुकसानदेह है या फायदेमंद, इसका पैमाना उसका पीएच लेवल नहीं हो सकता। इसलिए जो भी खाएं ताज़ा खाएं, संतुलित आहार ही स्वस्थ शरीर की कुंजी है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। भूकंप तबाही का दूसरा नाम, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि भूकंप कुदरत का श्राप ही नहीं, प्रकृति का एक करिश्मा भी है। एक मैसेज का दावा है कि भूकंप माला माल भी करता है, जमीन में मौजूद पानी को सोना बना देता है। क्या वाकई बर्बादी मचाने वाला भूकंप खुशहाली भी लाता है? विनाश, बेबसी, उजड़े आशियाने, कयामत की निशानी। भूकंप दर्द और आंसू ही देकर जाता है। किसी का घर बार लूट जाता है तो किसी से उसका परिवार बिछड़ जाता है, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि भूकंप अभिशाप ही नहीं, एक वरदान भी है। भूकंप आपदा ही नहीं, समृद्धि भी लाता है। दावा है कि भूकंप पानी को सोने में बदल देता है, पृथ्वी के गर्भ को बेशकीमती सोने से भर देता है। क्या ये कैसा दावा है? मतलब क्या है वायरल मैसेज का? भूकंप पानी को सोने में बदल देगा? पानी और सोना दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आखिर पानी सोना कैसे बन जाएगा? बात करने के लिए हम पहुंचे भोपाल। यहाँ हमने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर डीसी गुप्ता से ये समझने की कोशिश की कि पृथ्वी के भीतर से मिनरल निकलने की प्रक्रिया क्या होती है। पृथ्वी के अंदर हर तरह की धातु मिलती है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, लेकिन जब ये धातु पृथ्वी के अंदर होती हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस चलती हैं, तो उन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के चलते धीरे धीरे ये जो धातुएं होती है उनसे अलग हो जाती हैं और अंदर हॉट फ्लूड्स बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस। उन सॉल्यूशन के माध्यम से ये जितने भी प्रीशियस एलिमेंट्स हैं ये धीरे 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 ऊपर की तरफ, पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्या भूकंप धरती की कोख में मौजूद पानी को सोने में बदल देता है? प्रोफेसर के मुताबिक ये दावा गलत है।
भूकंप एक्चुअली सोना बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, भूकंप एक्चुअली जिम्मेदार है जो फ्लुट्स सोना लेके ज़मीन के अंदर से सेपरेट हुए हैं उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। भूकंप से पृथ्वी के अंदर भूगर्भी हलचलें होती हैं। भूगर्भी हलचलें क्या करती हैं, जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशंस आसपास के जो दरारें खुलती हैं भूकंप के कारण, उन दरारों में वो सॉल्यूशंस पहुंच जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष कुमार ने भी भूकंप के पानी को सोने में बदल देने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। पानी जिसका कंपोजिशन H2O है, आप उसको गोल्ड में नहीं कन्वर्ट कर सकते। गोल्ड डिपॉजिट्स में टेक्टोनिक एक्टिविटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, टेक्टोनिक एक्टिविटी से भूकंप आते हैं, तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं कि जब टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होगी तो उसमें मैग्नेटिक फ्लूट्स आएंगे, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होंगे, उसी तरह उसमें गोल्ड भी होगा, तो इस तरह हम गोल्ड डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे कहें कि 1-to-1 कोरिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें कि भूकंप से सोना बना, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2013 में ऑस्ट्रेलिया में भूवैज्ञानिकों ने एक रिसर्च पेपर में यह दावा किया था कि भूकंपीय गतिविधियों और धरती की सतह पर सोने के कण मिलने में एक रिश्ता है। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ने इस रिसर्च पेपर पर लेख भी लिखा है। लिहाजा न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में भूकंप के पानी को सोना बना देने का दावा गलत साबित हुआ है। वायरल मैसेज में जिसे पानी कहा जा रहा है वो दरअसल पृथ्वी के गर्भ में मौजूद वो तरल है जिसमें पहले से ही अलग अलग तरह के मिनरल होते हैं। भूकंप की वजह से जमीन के भीतर पैदा हुई हलचल से इस तरल को ऊपर आने में सिर्फ मदद ही मिलती है, भूकंप पानी को सोने में तब्दील नहीं करता। वर्ल्ड कप के लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को 89 रन से बुरी तरह हरा दिया। पाकिस्तान की इस करारी शिकस्त ने भारतीयों को जोश से भर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी भारतीय टीम को सलाम कर रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पाकिस्तानी भरे स्टेडियम में हमारा राष्ट्रगान गा रहा है। क्या भारतीय टीम का फैन हो गया है पाकिस्तानी? सावधान मुद्रा में शरीर, कंधे पर पाकिस्तान का झंडा, लेकिन लबों पर हमारा राष्ट्रगान जन गण मन। ये शख्स पाकिस्तानी है, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि वर्ल्ड कप में भारत की शानदार पारी देखकर भारतीय टीम का फैन हो गया और टीम को सलामी देते हुए लगता ही नहीं कि ये सब पाकिस्तानियों में भी संभव है। एक सैल्यूट तो बनता है इनके लिए। जय हिंद, भारत माता की जय। ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग हैं। मैच देखने आए तो जब राष्ट्रगान हुआ तब खड़े होकर राष्ट्रगान गाने लगे। हम इस शख्स का गाया राष्ट्रगान नहीं सुना रहे हैं क्योंकि नियमों के मुताबिक अधूरा राष्ट्रगान नहीं बजाया जा सकता। कि एक पाकिस्तानी भारतीय राष्ट्रगान क्यों गा रहा है? क्या ये पाकिस्तानी भारतीय क्रिकेट टीम का फैन है? क्या जनगण मन गाकर ये पाकिस्तानी भारत की जीत का जश्न मना रहा है? वायरल वीडियो में जनगण मन गा रहे ये हैं आदिल ताज। पाकिस्तान के आदिल ताज दुबई में रहते हैं, अकाउंटेंट है। भारत पाकिस्तान मैच से पहले आदिल ने भारतीय राष्ट्रगान गाया था, लेकिन इस मैच के वक्त नहीं, 9 महीने पहले एशिया कप के दौरान। ये वीडियो वर्ल्ड कप का नहीं, पिछले साल हुए एशिया कप का है। 19 सितंबर 2018 को अबू धाबी में भारत पाकिस्तान का मैच था। आदिल भी मैच देखने गए थे, लेकिन मैच से पहले जब भारतीय राष्ट्रगान बजा तो वो भी साथ साथ गाने लगे। एक मेरा पॉजिटिव स्टेप था टुवर्ड्स पीस। पहले पाकिस्तान का उन्होंने नेशनल एंथम प्ले किया तो हमारे साथ इंडियंस थे जिन्होंने पाकिस्तान के एंथम को बहुत गौर से सुना और खामोशी से सुना और एंड में उन्होंने क्लेप की, एक रिस्पेक्ट दी। मैं जब उन्हें देखा तो मैंने बोला यार ये लोग तो एक कदम आ गए, हमारे नेशनल एंथम को इन्होंने रिस्पेक्ट दिए तो मुझे तो आता है थोड़ा बहुत जितना 70-80%, तो लेट्स व्हाई नॉट ट्राई दिस। तो बस वो ट्राई की और वो वीडियो वायरल हो गई। आदिल के भारतीय राष्ट्रगान गाने से सोशल मीडिया पर उन्हें भारतीय तो खूब सराह रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तानियों को ये गवारा है? तो आदिल का कहना है कि उनके घर वाले उनके साथ हैं। उन्होंने काफी इस बात को अप्रिशिएट की, इवन आप वीडियो में देखें मेरे साथ मेरे कजन खड़े और मेरे भाई भी खड़े, तो अगर उन्हें आ नहीं रहा था तो वो कम से कम एक रिस्पेक्ट दे रहे थे इंडियन नेशनल एंथम को और खामोशी से उन्होंने सुना। लेकिन आदिल को भारतीय राष्ट्रगान कैसे आता है, तो इसकी कहानी बड़ी फिल्मी है। फर्स्ट टाइम कभी खुशी कभी गम मूवी में जब ऋतिक रोशन शाहरुख खान और काजोल को सरप्राइज़ देने के लिए उनके बेटे को पेरेंट्स डे के लिए ये मेमोराइज़ करवाते हैं, तो फर्स्ट टाइम उस मूवी में मैंने सुना और काजोल जब भाग के जाती है अपने बेटे को हग करने के लिए, तो वो रियली वो गूज बम्स रोंगटे खड़े कर देने वाले मोमेंट थे, काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये। तो तब इधर उधर से जोड़ जाड़ के थोड़ा बहुत सीख। ये वायरल वीडियो बेशक सही, लेकिन इसका वर्ल्ड कप से कोई लेना देना नहीं है।
लिहाजा न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। इस गर्मी में घर से बाहर निकलना टॉर्चर से कम नहीं। लू के थपेड़े बेहाल कर देते हैं, तो फिर गर्मी से बचने के लिए आप क्या करते हैं? खूब पानी पीते हैं, सिर ढककर बाहर निकलते हैं, काला चश्मा पहनते हैं, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस तापमान छू रही इस गर्मी में सब उपाय ढेर हैं। तो फिर क्या किया जाए? तो सोशल मीडिया का कहना है कि रूई से अपना दाहिना कान बंद कर लीजिए। क्या कान बंद करने से गर्मी नहीं लगेगी? ये क्या कह रहा है सोशल मीडिया? आग बरसाता सूरज, चिलचिलाती धूप, झुलसाती लू, ये गर्मी शरीर से जान सोख रही है। कई लोग इस गर्मी की चपेट में आकर मर चुके हैं, लेकिन गर्मी से बचने के लिए घर से ही ना निकला जाए ये तो मुमकिन नहीं। काम तो करना ही है, मगर फिर इस गर्मी से कैसे बचा जाए? तो सोशल मीडिया एक अनोखा उपाय बता रहा है। दावा कर रहा है कि गर्मी में अब बेहिचक घर से निकलिए, गर्मी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। बस अपने दाहिने कान में रुई डालना मत भूलिएगा। इस गर्मी में अपने आप को बचाने के लिए घर से बाहर निकलने से पहले रुई की एक छोटी सी गेंद से दाहिने कान को बंद कर लें। कुछ ही मिनटों में आपकी बाई नासिका ज्यादा सक्रिय हो जाएगी, और चूंकि ये चंद्र नाड़ी है, ये आपको भीतर से ठंडा रखेगी। आप हीट स्ट्रोक, हाई बीपी, पित्त, माइग्रेन और गर्मी के कारण होने वाली अन्य समस्याओं से बच जाएंगे। क्या वाकई दाहिना कान बंद करने से गर्मी नहीं लगेगी? कान बंद करने का गर्मी से क्या रिश्ता है? क्या दाहिना कान बंद करने पर बाई नासिका सक्रिय हो जाती है, जो शरीर को ठंडा रखती है? ये चंद्र नाड़ी क्या होती है और ये किस तरह काम करती है? वायरल मैसेज के दावे का आधार आयुर्वेद है, लिहाजा हम पहुंचे जयपुर में आयुर्वेदाचार्य के पास। हमने डॉक्टर रेखा शर्मा को वायरल मैसेज दिखाया तो उन्होंने इसे बिल्कुल सही बताया। ये योगिक क्रियाओं का हिस्सा है, जिसको स्वर विज्ञान भी कह सकते हैं। दाहिना कान अपना बंद किया जाता है तो हमारी चंद्र नाड़ी जो है वो स्वर चलने लग जाता है। तो जब चंद्र नाड़ी से श्वास लेते हैं तो हमारी दाहिना मस्तिष्क जो है वो उसकी सौम्य प्रवृत्तियाँ जो हैं वो जागृत होती हैं। दाहिने सर की तरफ करवट लेकर आप कुछ देर सो सकते हैं, या दाहिने नाक को भी बंद कर लेंगे तो भी आपका बायां स्वर चालू हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेदाचार्य ने हमें आगाह भी किया कि ये एक दिन के करने की चीज़ नहीं है। कुछ देर के लिए करेंगे तो हो सकता है कि आपको बड़ी बीमारियों में लाभ ना हो, लेकिन यदि आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो ये 100% सच है कि यदि आप चंद्र नाड़ी का अभ्यास करते हैं श्वास लेते वक्त, तो रक्त की जो गर्मी है, शरीर में जो गर्मी है, उसका शमन करता है। नाक के दोनों छेदों से आने वाली सांस को आयुर्वेद में स्वर कहा जाता है। एक वक्त में एक इंसान नाक के एक ही हिस्से से सांस लेता और छोड़ता है। नाक के बाएं हिस्से से ली जाने वाली सांस को चंद्र स्वर और नाक के दाहिने हिस्से से ली जाने वाली सांस को सूर्य स्वर कहते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक चंद्र स्वर में इड़ा यानी चंद्र नाड़ी होती है। ये नाड़ी ठंडी प्रकृति की होती है, इसलिए नाक के बाएं छेद से सांस लेने पर शरीर में ठंडक आती है, जबकि सूर्य स्वर की पिंगला नाड़ी गर्म प्रकृति की होती है। लेकिन मुंबई में जब हमने एक दूसरे आयुर्वेदाचार्य से बात की तो उनके मुताबिक दाहिना कान बंद करके चंद्र नाड़ी को सक्रिय करके गर्मी से बचना मुमकिन नहीं। अभी तक तो ऐसा साइंटिफिकली कोई हम 100% बोल नहीं सकते। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहने के लिए शरीर में अलग अलग जो तत्व है वो काम करते हैं। अभी त्वचा में अगर स्वेद ग्रंथि है, गर्मी होती है, तो उसके कारण हमें ज़्यादा पसीना आता है और उससे हम लोग का जो ये उष्णता नियमन है वो कंट्रोल किया जाता है। दोनों आयुर्वेदाचार्यों ने अलग अलग बात कह दी, लिहाजा अब हमने मुंबई के नामी KEM अस्पताल में ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीलम साठे और दिल्ली में गोयल अस्पताल और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल गोयल से बात की। देखिए, मुझे इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं नजर आता कि राइट कान बंद करेंगे तो बाई नासिका से ठंडा हो जाएगा, कि बॉडी की जो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म है वो बिल्कुल अलग है। जो हम लोग एक एलोपैथिक डॉक्टर की तरह से जो साइंस है वो अलग है, मुझे लगता है इस साइंस से ये मैच नहीं करता। कान में रुई डालने से सिर्फ जो बहुत ठंडी हवा का झोंका होता है
एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की जो हवा के साथ जो हवा हमारे कान में चली जाती है उसके वजह से हमारा इनर ईयर सेंसिटिव होता है, तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं और हमारे बैलेंस की या चक्कर की परेशानी हो सकती है। लेकिन कान में रुई रखने से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा हमारे एलोपैथी में कोई दावा नहीं है। मेडिकल साइंस रिसर्च मानती है और क्लिनिकल रिसर्च के बिना किसी भी उपाय को उपचार नहीं माना जा सकता, लेकिन जो लोग आयुर्वेद की परंपरा पर यकीन रखते हैं वो चंद्र नाड़ी को गर्मी से निपटने में कारगर मानते हैं। ऐसे में वायरल मैसेज को न तो खारिज किया जा सकता है और न ही पूरी तरह उसे सही साबित किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए सिर्फ दाहिने कान बंद करके चंद्र नाड़ी की ताकत के भरोसे ही मत रहिएगा, क्योंकि लंबा अभ्यास करने पर ही ये फायदेमंद साबित हो सकता है। लिहाजा न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में खबर में पेंच पाया गया है।